얘기는 자 그러면은 매트릭스 A A B C D 매트릭스 P Q और ये भी गिवन है कि P एंड Q जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो. फिर गिवन है ए बी की वैल्यू बी है, फिफ्टी फिफ्टी है. तो ए डी माइनस बी सी की क्या वैल्यू होगी ये पूछा गया. पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यही क्वेश्चन आपका. ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, पी आई क्यू जीरो नहीं है, ये भी गिवन है, ए बी की वैल्यू बी है गिवन है, ए प्लस डी यानी इस मैट्रिक्स का ट्रेस गिवन है 50-50, और इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी गई कि ए डी माइनस बी सी क्या होगा. यानी शॉर्ट में ऐसे भी कहा जा सकता था कि इफ ट्रेस ऑफ ए इज 50-50 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू. अब देखो कुछ नहीं करना आपको, ए बी लिखो पहले, ए बी और ए बी सी B, P, Q. This is equal to P. A, B is equal to multiply करो. Multiply करोगे. First row, first column. क्या हो रहा है? AP plus BQ. Second row, first column. CP plus DQ. और ये given है. क्यूब के इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी एपी प्लस बी क्यूब, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सीपी प्लस, और ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दो. इक्वेट कर दोगे क्या मिलेगा, एपी प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू पी, सीपी प्लस डी क्यूब इज इक्वल AP plus BQ is P, CP plus DQ is P. ठीक. अब देखें आपको गिवन क्या है, ए प्लस डी की वैल्यू और ए डी माइनस बी सी चाहिए. इसका मतलब है कि P एंड Q का कोई रोल नहीं है इसमें, P एंड Q की तो कहीं जरूरत ही नहीं है. आपको A प्लस डी गिवन है, ए डी माइनस बी सी चाहिए. यानी जो भी रिलेशन आपको बनाना है वो A, B, C एंड D में बनाना है. P एंड Q को एलिमिनेट कर देना, हटा देना. तो एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, यहां से क्यू की वैल्यू उठाएंगे और वहां ले जाकर रख देंगे क्यू की वैल्यू. तो अगर क्यू की वैल्यू फर्स्ट वाले से निकाले क्या आएगा, फर्स्ट वाले से आप क्यू निकाल रहे हो तो देखो आएगा पी माइनस ए पी ओवर बी क्यू. पी कॉमन लेकर हो जाएगा वन माइनस ए ओवर ये क्यू की वैल्यू. यहां से हमने P निकाल लिया कॉमन, सॉरी यहां से Q की वैल्यू निकालिए. ठीक है, Q की वैल्यू कैसे, ये उधर जाएगा P माइनस ए पी. पी माइनस ए पी का मतलब P कॉमन ले लिया तो P टाइम्स 1 माइनस ए ओवर. ठीक, और इस Q की वैल्यू को वहां ले जाकर रख देंगे. वहां क्या है उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले देखो CP इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस D. इस DQ को उधर ले जाओ, DQ को उधर ले जाओगे तो Q कॉमन निकलेगा तो CP की वैल्यू हो जाएगी Q टाइम्स 1 माइनस, और ये वाला Q वहां ले जाके अप्लाई. तो अगर Q की वैल्यू ले जाकर रख दे वहां से, यहां से Q की वैल्यू उठाई फर्स्ट वाले से और यहां ले जाके रख दिया, क्या बना ये CP. Q की वैल्यू रख रहा हूं P टाइम्स 1 माइनस A ओवर D. यहां से Q की वैल्यू उठा ली, वहां ले जाके क्या कैंसिल हो गया दोनों साइड से P, तो देखो P हट गया. क्रॉस करेंगे इधर हो गया BC, उधर 1 माइनस A और 1 माइनस D को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस AD. मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है ये क्या हो गया, ये BC A प्लस D की वैल्यू गिवन था 50-50 प्लस AD. तो यहां से आपको AD माइनस BC मिल गया. AD माइनस BC
504। नाइन्थ में क्या गिवन है, पहले मैं ये लिख रहा हूं, गिवन है मैट्रिक्स ए 1 2 एंड देन वी हैव ए रेस टू 6 इज इक्वल टू ए टाइम्स आई प्लस बी टाइम्स ए। फाइंड ए एंड ये जो ए और बी दिख रहे हैं ये नंबर्स हैं आपको इसमें एक्चुअली प्रिंट बिल्कुल गायब हो गया दिखाएंगे ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई। देखो ये ए 1 2 माइनस 1 3 ए रेस टू 6 ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई। वैसे भी मुझे पढ़ने के लिए अब रीडिंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, वैसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। ए 1 2 माइनस 1 3 ए रेस टू 6 है ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई। तो इसमें ए और बी फाइंड करने को कहा गया कि ए एंड बी क्या है, नंबर्स हैं जो आपको फाइंड करना। दो मेथड है, एक मेथड तो है कि सिंपल स्कूल वाला मेथड, मतलब ए गिवन है तो आप ए स्क्वायर निकालो, फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दो ए फोर बन जाएगा, और फिर ए फोर को ए स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई कर दो ए सिक्स आ जाए, कर लोगे ना, ए है इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दो ए फोर आ गया, और ए फोर को फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए सिक्स आ गया, तो लेफ्ट साइड पे ए सिक्स लिख दिया, और राइट वाला निकाल दिया ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स ए आई, और दोनों तरफ से एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया। ये तो स्कूल वाला मेथड हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन स्कूल में बोर्ड में पूछा जाता तो। करके दिखाई देता हूं पहले स्कूल वाले मेथड से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर है 1 2 माइनस 1 3, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो 1 2 माइनस 1 3। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 एंड 6 8। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -1 एंड -3 -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे -2 एंड -9 7। चेक कर लोगे ठीक है, ये ए स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ए फोर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 8 -4 7, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो -1 8 -4 7 ठीक। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखोगे तो 1 -32 यानी -31। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे तो होगा -8 और +56, -8 और +56 कितना हो गया 48। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखोगे तो ये है 4 एंड -28 तो -24, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे रखोगे तो -32 प्लस 49 यानी 70। ये हो गया ए रेस टू 4 ठीक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ए रेस टू 6। ए रेस टू 6 कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए 4 से, ए स्क्वायर हो गया -4 7 और ए 4 हो गया -31 48 -24 एंड 70 ठीक। ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए रेस टू, फिर मल्टीप्लाई करो इनको, क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 31
और माइनस 24 इंटू 8 कितना बनता है? 192 तो 31 और माइनस 192 31 में से 192 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 161 माइनस साइन के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 48 और 17 इंटू 8 बनेगा 136, यही बनेगा ना? 136 माइनस 48 कितना बन रहा है? 86 अच्छा 88 तो ये बनेगा 88। फिर बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 31 इंटू 4 यानी 124 और हो गया 7 इंटू माइनस 24 माइनस 168 तो ये बन गया कितना? 32 34 44 माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ ना? और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये कितना बन रहा है? 48 इंटू 4 192 माइनस साइन के साथ और प्लस साइन के साथ 17 इंटू 7 कितना हो गया? 190 तो 192 और 11 9 3 73 माइनस था या प्लस था? या माइनस ये हो गया 3 to 6 बोलो ठीक है। ये कैलकुलेशन हो सकता है गलत, बहुत चेक कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। तो ये तो आ गया आपका a^6। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे बोलो? ये निकालेंगे a टाइम्स a प्लस b टाइम्स i। ध्यान दोगे इधर, a टाइम्स a यानी जो मैट्रिक्स a गिवन था उसके हर एक एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा ये a2a - a3a a2a - a3a प्लस bi का मतलब हो गया b0 0। बोलो ठीक है। ये दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा a प्लस b 2a माइनस a और 3a प्लस b। बोलो ठीक है। ये बोल भी दो। और अब आपसे कहा गया था कि ये जो आपने मैट्रिक्स a रेस टू 6 निकाला है और ये जो दूसरा मैट्रिक्स आपने निकाला है a टाइम्स a प्लस b टाइम्स i ये दोनों सेम हो जाने चाहिए तो दोनों को आप इक्वेट कर दो। a44 b - 200 ये जो दो मैट्रिक्स आपने निकाला है -160 188 -44 -73 और ये जो दूसरा मैट्रिक्स आपने निकाला a प्लस b 2a माइनस a एंड 3a प्लस these two should be equal। ये तो वैसे ही दिख रहा है कि अगर इस वाले को इक्वेट करने तो ये क्या मिल गया? 44 b माइनस 2a हो गया 44 और a प्लस b की वैल्यू है -161। यहां से a प्लस b इज -160 a है 44 तो b कितना मिलेगा मुझे? -205 आंसर ठीक कर लीजिएगा। 5 गायब है, a44 b - 205। एक मिनट बता रहा हूं, ये जो मेथड हो गया ये तो हो गया अगर स्कूल में पूछ दिया जाए बोर्ड में पूछ दिया जाए। वैसे इतना लेंदी स्कूल वाले पूछते नहीं, बहुत सिंपल मैट्रिक्स आपसे पूछते हैं, लेकिन इनकेस अगर पूछ दिया जाए तो ये मेथड होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आइगन वैल्यू के थ्रू इसको बहुत आसानी से आप कर सकते थे, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया। देखो इसको आइगन वैल्यू के थ्रू कैसे करेंगे, सी क्वेश्चन को फिर से करते। क्या था आपके पास? मैट्रिक्स 8 ऑल्टरनेट मेथड देख चलो। मैट्रिक्स ए जो था ये था 1 2 -1 3 a रेस टू 6 चाहिए आपको। a रेस टू 6 की वैल्यू a टाइम्स a प्लस b टाइम्स। आपको पता है कि हर एक मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं?
मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी चेंज बाकी सेम रहेगा। तो एक्चुअली हम इस इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये इक्वेशन कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा। और कैसे बनाते हैं ये डिटरमिनेंट, बहुत सिंपल है, सीधा याद रखिए कि डायगोनल वाले एलिमेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी को सेम छोड़ देना। तो क्या बन गया ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट बन गया 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना, बाकी दो को सेम छोड़ देना, तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 3। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी इसकी वैल्यू, सेकंड ऑर्डर है तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा प्लस 2। बोलो सही है, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। और हर एक मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, मींस इसमें अगर लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दें तो भी ये ट्रू रहेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जब हम लैम्डा को मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे तो जो नंबर होता है उसकी जगह पे हो जाता है नंबर इनटू आई, आई आ जाता है साथ में। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 आई इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन बन गया ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 आई इज इक्वल टू, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अब हम इसी से ए सिक्स निकाल देंगे जो आसानी से निकल जाएगा। ए स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर सेम यही क्वेश्चन नंबर अभी जो पूछ रहे थे आप, क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, तो इसलिए आप 11 को भी ऐसे ही कर लेंगे। देख लीजिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही चीज गिवन है, वहां कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑलरेडी बना के गिवन है, यहां पे हमने बनाया हुआ है। तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, 4a माइनस 5y। ठीक, बहुत आसान तरीका है, a रेस टू 6 बनाना है, एक बार इसकी स्क्वायरिंग कर दो वो a रेस टू 4 आ जाएगा, और फिर a रेस टू 4 को दोबारा a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो a 6 हो जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग कर दो, a रेस टू 4 हो जाएगा 4a माइनस 5y का होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे, क्या बनेगा ये 60a स्क्वायर। 2ab लिखोगे तो एंड देन 25i स्क्वायर। बोलो सही है, कुछ नहीं किया आपने, a माइनस b होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बना ये 16। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से डाल दो, ए स्क्वायर की क्या वैल्यू है 4a माइनस 5, ये जो ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहां से फिर वापस रख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 5 है माइनस 40ai, ai को आप a लिख सकते हैं, प्लस 25a, क्या बना ये 64a और 40a, तो 24a, फिर माइनस 80 प्लस 25, माइनस 80 प्लस 25 हो जाएगा माइनस 55, ये क्या मिल गया आपको a रेस टू 4 चाहिए, लेकिन आपको a रेस टू 6, जैसे इसमें a रेस टू 6 चाहिए, जो एक क्वेश्चन अगला वाला है 11 वो a रेस टू 8 है, तो वो बल्कि ज्यादा आसान है, a रेस टू 8 में फिर से इसकी स्क्वायरिंग कर दो वो a रेस टू 8 बन जाएगा, a रेस टू 4 है अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा a रेस टू 8, सर हमसे यहां पे a रेस टू 6 बोला गया, तो a रेस टू 6 को हम ऐसे लिख देंगे a रेस टू 4 और a स्क्वायर का प्रोडक्ट। बोलो सही है, a स्क्वायर और a रेस टू 4 को मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर यहां 4a माइनस 5 है और a रेस टू 4 यहां, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया ये 5y, इसको मल्टीप्लाई करना है 24a माइनस 55, 24 इंटू 4 96 a स्क्वायर, 55 इंटू 4 माइनस 220ai, फिर माइनस 120ia, 55 इंटू 5 कितना हो जाता है 275 i स्क्वायर। बोलो ठीक है, ये इसमें a स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4a माइनस 5i, यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी वापस
ए स्क्वायर है फोर ए माइनस फाइव है माइनस टू ट्वेंटी टू सॉरी ये ए आई और आई ए दोनों ए बनेगा तो ये हो गया माइनस टू ट्वेंटी और ये माइनस वन ट्वेंटी तो माइनस टू ट्वेंटी और माइनस वन ट्वेंटी मिलकर हो गया माइनस थ्री फोर्टी एट प्लस टू सेवेंटी फाइव आई नाइनटी सिक्स इंटू फोर कितना बना ये 384 a 96 into 5 4 pi minus 340 a plus 275 i खत्म हो गई बात देख लो क्या हो गया 380 minus 3840 384 minus 340 ये हो गया 44 a minus 480 minus 275 ये हो गया minus तो ये 44 है माइनस 205 यानी ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स ए की वैल्यू 44 बी की वैल्यू माइनस 20 ए इज 44 बी इज गिवन है A is idempotent. Idempotent का क्या मतलब होता है? बोलो। Idempotent का मतलब होता है कि A का कोई भी पावर डालेंगे A ही बनेगा क्योंकि अगर A square A बन गया तो आगे वाले सारे पावर A ही बनेंगे तो A अगर idempotent है तो A पे अगर आप कोई भी पावर डाल दो A raised to N ये A ही बनेगा ए पे एनी पावर रखा जाए वो ए बनेगा ठीक बोल भी दीजिए yes, और अब आपको एक और चीज गिवन है कि अगर हम आई प्लस ए का या ए प्लस आई का पावर एन लें तो ये बनता है आई प्लस I plus 127 AP ठीक तो पूछा गया कि इसमें n की क्या वैल्यू है ये n फाइंड करें कि ये n क्या है A idempotent है means A का कोई भी पावर रखेंगे A बनेगा फिर एक कंडीशन ये गिवन है कि A plus I whole raised to n करें तो ये बनना चाहिए i प्लस 127 a तो n क्या है तो आप इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करके देख लो किसको a प्लस i होल रेस टू n को इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करो क्या लिखोगे बाइनोमियल पे nc 0 लिखोगे तो a का पावर n जैसे जैसे आगे जाएंगे a का पावर एक एक कम करेंगे i का पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे तो क्या लिखेंगे nc 0 a रेस टू n nc 1 A raised to N minus N C 2 A raised to N minus 2 I ऐसे लिखते चले गए तो second last term आएगा वो आएगा N C N minus 1 A I raised to और एक last term आएगा finally N C N I raised to सिर्फ लास्ट वाले टर्म में ए नहीं होगा बाकी सभी में ए होगा क्योंकि एन सी जीरो ए रेस टू एन से शुरू होगा एक एक कम हो रहा है आई का पावर एक एक बढ़ रहा और यह आप कह चुके हैं कि आई इंपॉर्टेंट है मीन्स ए पे कोई भी पावर डाल दे वो ए ही बना रहेगा तो ए रेस टू एन को आप ए लिख सकते ए रेस टू एन माइनस वन को भी ए लिख सकते ए रेस टू एन माइनस टू को भी ए लिख सकते ये सारे ए बन गए तो क्या लिखोगे अब इसको एन सी जीरो ए रेस टू एन को ए लिख दिया एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन को ए लिख दिया आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं एन सी टू इसको भी ए लिख दिया इस तरह से सेकंड लास्ट वाला हो गया एन सी एन माइनस वन इसको भी ए बोलो ठीक है ये और लास्ट वाला तो हो गया एन सी एन जिसको आप चाहे तो वन लिख सकते हैं आई रेस टू एन की वैल्यू आई लिख सकते लास्ट वाले में एन सी एन वन हो गया आई रेस टू एन की वैल्यू आई और अब इन सभी से आप देखो तो ए कॉमन निकल जाएगा सभी में ए कॉमन निकाल दें
ये कॉमन लेकर ये बनेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए, सॉरी ए तो कॉमन निकाला, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एन सी एन माइनस ए प्लस ए, इसे आपने कॉमन निकाल दिया, तो NC0 plus NC1 plus NC2 NCN minus. एक रिजल्ट आपने 11th में पढ़ा होगा कि NC0 से NCN तक ऐड करने पे वैल्यू होता है 2 raise to N. NC0 से NCN तक का सम होता है 2 raise to N. लेकिन आप यहाँ पे NC0 से NCN नहीं ले रहे, कम ले रहे, NC0 से NCN minus 1 तक ही ले रहे. अगर आप NC0 से NCN तक लेते तो सम होता टू रेस टू एन, एक टर्म नहीं है, सी एन नहीं है, इसलिए माइनस वन हो जाएगा ए प्लस वन. बोलो सही है, एन सी जीरो से एन सी एन टू रेस टू एन, क्योंकि एन सी एन नहीं है, एक टर्म है, तो इसलिए टू रेस टू एन माइनस वन ए प्लस वन. गिवन क्या था आपको, मैं गिवन था यहाँ पे आई प्लस 127 ए गिवन था, यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए 127. अब देखो आपको गिवन था इसकी वैल्यू i प्लस 127 a, यानी a के साथ 127 आना चाहिए. तो i प्लस 127 a गिवन था, मींस ये जो है ये 127 बन जाना चाहिए. तो 2 रेस टू n माइनस 1 ये 127 हो, 2 रेस टू n 128 होगा, यानी n की वैल्यू 7. तो आ रहे एक ही आना चाहिए मुझे लगता है. 15 में मैट्रिक्स ए है, इधर देखो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए. इसमें ए बी एंड सी पॉजिटिव नंबर हैं और इनका प्रोडक्ट गिवन है 1 के इक्वल, ए बी सी 1 के इक्वल. साथ में कहा गया कि अगर a डैश को a से मल्टीप्लाई करें तो ये i बनता है, a डैश a इज इक्वल टू i. शॉर्ट में ये कहा जा सकता था कि a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी इसको ना देकर इसको हटाकर ये कहा जा सकता था कि a इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का मतलब है a और a डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो i बनेगा. तो आपसे वैल्यू पूछा गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. तो पहले तो a डैश को a से मल्टीप्लाई करो, a डैश a का ट्रांसपोज दे दो. इनफैक्ट ये वैसे भी सिमेट्रिक है, आप देखो ट्रांसपोज लेने पे कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है. तो ए डैश और ए दोनों एक ही चीज है, बोलो है या नहीं? तो दैट मींस कि इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी है, और ये मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए i, यानी 100 010 001 बन जाना चाहिए. ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो 1 के इक्वल हो जाना चाहिए क्योंकि पहला पोजीशन पे 1 है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो गया. ठीक है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज 1. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे रखोगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो 0 हो जाना चाहिए क्योंकि यहां 0 है. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0. ठीक है, और अब आपसे वैल्यू पूछा गया, बस आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, दो से ही काम चल जाएगा और बाकी निकाले हुए भी तो यही दो रिलेशन आना है. इसमें दो ही तरह के एलिमेंट्स ही आ रहे,
एक वन है और एक जीरो है, तो मतलब यही तो आएंगे, एक तो डायगोनल पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सारे आ जाएंगे ए बी प्लस डी सी प्लस सी। चाहिए क्या आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू। इसको फॉर्मूले की तरह याद रखिएगा, अगर आपको याद है तो ठीक, इनको नहीं याद है वो आगे के लिए इसको दिमाग में बिठा लें। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। ये याद रखेंगे फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। ठीक, और अब ये सारे मालूम है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये तो फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यू वन गिवन थी तो ये हो गया माइनस थ्री, ए बी सी की वैल्यू वन गिवन थी ये तो हो गया माइनस थ्री, ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी फिलहाल हमने नहीं निकाला, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक और फॉर्मूला आपको पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दें तो मिलेगा मुझे प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे वन रख दो, सी प्लस सी ए की जगह पे जीरो रख दो, तो क्या जा रहा है ये वन। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वन है और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वन है, तो ए प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यू आ सकती है प्लस माइनस वन, बट यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए आप सिर्फ प्लस वन लोगे। अगर नहीं गिवन होता तो फिर दोनों कंडीशन कंसिडर करते, वन भी हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वन है, ए प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यूज है वन माइनस वन, बट लेंगे सिर्फ प्लस वन, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे वन रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे वन, प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे जीरो। ये वन और इसमें से माइनस वन मिल गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो। तो देखो यहाँ से मिल गया आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया फोर। कौन सा 29 देख लीजिए, थर्टी टू में देखिएगा, 32 बता ही देता हूं। इक्वेशन है तीन, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 12। देन वी हैव, इसमें मिट गया जरा बोलो तो क्या है अगला वाला इक्वेशन, 3x प्लस y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। म्यू लिखने की बहुत तकलीफ होती है, मैं पी लिख रहा हूं। फिर बोलो एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट जेड इज इक्वल 17। तो मुझे लैम्डा और पी चाहिए कि लैम्डा की क्या वैल्यू है, पी की क्या वैल्यू है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन व्हाट इज लैम्डा एंड पी, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस व्हाट आर लैम्डा एंड पी, एंड फॉर नो सॉल्यूशन लैम्डा एंड पी क्या। तो तीन कंडीशन है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो जब भी ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो आप तीन मैट्रिसेस बनाते हैं। कौन कौन सा? एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए कोफिशिएंट्स वाला, यानी 2 माइनस 3 5 3 1 लैम्डा 1 माइनस 7 एंड 8।
देन एक एक्स वाई एंड जेड, और फिर एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं बी जिसके अंदर तीनों कॉन्स्टेंट्स लेते हैं 12p and 70। ये तीन मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं, एक तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का मैट्रिसेस जो ए है, देन वी हैव अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स बी कंटेनिंग थ्री कॉन्स्टेंट्स। और ये ऑब्वियस दिखता है कि अगर हम ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो बी के इक्वल हो जाता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही मिलेगा मल्टीप्लाई कर, वो बी के इक्वल है यानी 12 है। और अब कंडीशन क्या क्या था याद कीजिए, चीजें याद रखना जरूरी है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था कि जो इसका डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए अगर यूनिक सॉल्यूशन है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी जीरो हो। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो हो बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जीरो ना हो। तो पहले हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। सॉल्व एक्सपैंड करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, एक्सपैंड कर दो कहीं से भी, पहले रो से पहले कॉलम से आपकी मर्जी है, इधर से इधर मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूं, पहले कॉलम से क्या लिखेंगे, टू टू के साथ आएगा 8 plus 7 lambda, देन माइनस थ्री, मैं कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं इसलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस थ्री ये होगा -24 plus 35 एंड देन +1 के साथ आएगा -3 lambda -5, दिस इज इक्वल टू 0। ये गायब हो गया, टू के साथ 8 plus 7 lambda, ठीक है, ये गायब हो गया तो -24 plus 35 and then 1 के साथ हो गया -3 lambda -5 and this is not equal to 0। क्या बनाइए 16 14 lambda, 35 minus 24 11 into 3, तो 33 -3 lambda -5, this is not equal to 0। बोलो सही है, और बना क्या अभी 14 and 3 11 lambda, और 16 minus 38 minus 20 16 minus 38 minus 22, ये बनेगा ना not equal to 0, means lambda not equal to, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो lambda होना चाहिए not equal to 2। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ यही देखना होता है कि इसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, दैट मींस कि बाकी बी में क्या इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी पी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, पी कैन बी एनी नंबर, पी चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लिख दो पी कैन बी एनी नंबर। ये भी लिख दिया कि लैम्डा तो नॉट इक्वल टू 2 है, पी कुछ भी रख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ इसका डिटरमिनेंट देखना होता और कुछ नहीं देखना होता। अब चलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके लिए पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए होना चाहिए 0, उल्टा हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को जब जीरो करेंगे तो भाई यही चीज आनी है, सिर्फ यहां पे इक्वल टू जीरो रहेगा, और इक्वल टू जीरो रहेगा तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 22, लैम्डा की वैल्यू 2, ठीक। और जब लैम्डा 2 है तो अब हमें मैट्रिक्स ए मिल गया, मैट्रिक्स ए क्या मिल गया, इस मैट्रिक्स ए में लैम्डा को रिप्लेस कर दो 2 से, क्योंकि लैम्डा तो मिल गया मुझे कि लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2 3 1, कॉलम वाइज जरा मुझे बोल दो क्या है 2 3 1, दूसरे कॉलम बोलो -3 1 -7, तीसरा 5 2 8 5 2 8
यहाँ पे लैम्डा की जगह पे टू रख दिया, ये लैम्डा जैसे। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, जो कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी जीरो होना चाहिए। जब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो बनना चाहिए। तो उसके लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालो क्या बनेगा, ये टू का कोफैक्टर, बोलो 8 + 14 = 22, माइनस थ्री का कोफैक्टर, मैं रो वाइज चल रहा हूं, माइनस थ्री का कोफैक्टर क्या आएगा, 24 - 2 = 22 आ रहा है, बट लिखोगे -22। 5 का कोफैक्टर -21 - 1 = -22। सेकंड रो में चलते हैं, 3 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर आएगा -24 + 35, तो आ तो रहा 11 बट लिखोगे -11। देन 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर 16 - 5 = 11। देन 2 का कोफैक्टर, ये -14 + 3 - 11, बोलो ठीक है। देन थर्ड रो में चलते हैं, 1 का कोफैक्टर -6 - 5 - 11, -7 का कोफैक्टर 4 - 15 - 11 आ रहा है, बट लिखोगे +11। एंड फाइनली 8 का कोफैक्टर 2 + 9 क्या हो गया 11। एंड देन इसका ट्रांसपोज, एडजॉइन के लिए ट्रांसपोज भी लेंगे, तो बन के आ गया ये 22 -, चेक कर देता हूँ कौन सा बोल रहे, ये वाला ये यानी इसका कोफैक्टर, तो ये गया क्या मिलेगा आपको -14 + 3 - 11 आ रहा है, और ये जो पोजीशन है ये 2-3 पोजीशन ऑड वाली पोजीशन है, इसलिए साइन बदल जाएगा, क्या लिखेंगे +11। क्या बन गया ये 22 - 22 - 22 - 11 - 11 फिर -11 - 11 बोलो ठीक। बल्कि आसानी के लिए इसमें से 11 कॉमन ही निकाल दो, मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी होगी, 11 बाहर कर दें तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1, मल्टीप्लाई करना आसान होगा, क्योंकि अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो 11 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1, और बी कौन सा मैट्रिक्स था जो हमने पहले लिखा हुआ है, ये था क्या था 12P and 17, बोलो ठीक था, यही है ना, मल्टीप्लाई करो 11 टाइम्स, क्या आएगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो रहा है 24 और -17, 24 - 17 हो गया 7 - 3, ये आ रहा है, बोलो भाई। सेकंड रो में फिर -24 + P + 17, तो ये -7 + 3, बोलो ठीक है, और फिर -24 ये वही सेम आएगा -7 + 3, ये हो गया। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये होना क्या चाहिए, ये हो जाना चाहिए 0, 0 and 0, चूंकि 0 हो जाना चाहिए, तो ऑब्वियस P की वैल्यू क्या हो गई थी 7 हो गई, अगर P को 7 लेंगे तो ये 0, 0, 0 बन जाएगा, तो P हो गया 7। तो ये हो गया इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 है और P की वैल्यू 7 है, ठीक तो आंसर, फिर क्यों बोला आंसर गलत है, लैम्डा की वैल्यू 2 है P की वैल्यू 7 है, और अब इसमें लास्ट वाला तो करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हो गया, क्योंकि नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, तो लैम्डा की तो वही वैल्यू रहेगी 2, बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब P नॉट इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो थर्ड वाले में हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2, P नॉट इक्वल टू 7। Thank you.
क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं घर पे, पहले क्लास नोट्स पढ़ लिया करो और फिर कुछ चीजें किया करो। आप कर रहे थे, आपको ये नहीं पता कि मैंने कंडीशन कैसे लिखी है भाई। हम आपने रिवाइज भी नहीं किया क्लास, पहले क्लास नोट्स रिवाइज करो फिर कुछ भी अटेम्प्ट करो। जो आप, अगर आपको कोई बेसिक नोट्स नहीं पता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपके फंसेंगे और बहुत सारे फंसेंगे भी। तो बेहतर है कि पहले क्लास नोट्स पे फोकस किया जाए, उनको पहले पूरी तरह से मजबूत करने के बाद ही हम आगे बढ़े कि मतलब ये तो मुझे आता है पूरा पूरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज अगर आपको कंडीशंस नहीं मालूम है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, अगर ये याद ही नहीं आपको तो फिर आपसे प्रॉब्लम फंसना ही फंसना है, वो निकलेगा ही नहीं आपसे प्रॉब्लम कभी। सेकंड में ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, ए इज एन बाई एन मैट्रिक्स, ये की ए इज एन ओवर एन बाई एन मैट्रिक्स। एन क्या है इसमें, एन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसको हम डिनोट कर रहे हैं एल से। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के किसी एक साइड पे सारे के सारे जीरो हो जाने चाहिए। तो इसमें देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट। तो देखो पहले तो एन बाई एन मैट्रिक्स है, एन बाई एन मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे एन स्क्वायर। किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, एम बाई एन मैट्रिक्स है तो एम और एन का प्रोडक्ट, एन बाई एन मैट्रिक्स है तो एन स्क्वायर, इसमें टोटल एलिमेंट्स हो एन स्क्वायर टोटल हो गए, जिसमें डायगोनल पे कितने आएंगे एन, डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे एन, नॉन डायगोनल कितने होंगे तो एन स्क्वायर में से एन हटा दो तो बाकी जो बच गए वो नॉन डायगोनल हो गए। नॉन डायगोनल का मतलब डायगोनल के अपर साइड पे या डायगोनल के लोअर साइड पे। तो डायगोनल के किसी एक साइड पे कितने होंगे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो डायगोनल के एक साइड पे होंगे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तो इतना डिफरेंट होंगे डायगोनल के एक साइड वाले पूरे, ये डिफरेंट होंगे क्योंकि किसी एक साइड पे जीरो होंगे, दूसरे साइड पे इतने डिफरेंट होंगे। इसके अलावा डायगोनल वाले सारे डिफरेंट हो सकते हैं, डायगोनल वाले सारे के सारे डिफरेंट हो सकते हैं प्लस एन, और फिर जीरो को भी आप काउंट करोगे, जीरो भी एक एलिमेंट है तो जीरो को भी काउंट करोगे तो प्लस वन। तो एल ये होगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन प्लस वन। मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, जैसे ये लिया हमने 100 2 3 4 5 6 है ये। तो पहले तो हमने देखा कि डायगोनल के एक साइड पे कितने, तो डायगोनल के एक साइड पे ये थे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू जैसे तीन डायगोनल वाले तीन, प्लस जीरो को भी तो काउंट करोगे जैसे इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं 6 और एक जीरो, तो डिफरेंट एलिमेंट इसमें टोटल है 7, जीरो को भी काउंट किया जाएगा। कितना बना ये सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू बाई एन प्लस टू, ये लो नौ एम। एन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए डायगोनल है तो ज्यादा से ज्यादा कितने डिफरेंट होंगे, तो अगर ए डायगोनल है तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं, एन डायगोनल वाले, तो एन एलिमेंट्स तो हो गए डायगोनल वाले प्लस जीरो को भी काउंट करोगे जो जीरो है सारे वो भी एक एलिमेंट काउंट होगा तो एन प्लस वन। तो डिफरेंट एलिमेंट ज्यादा ज्यादा होंगे एन प्लस वन, डायगोनल वाले एन और उसके अलावा एक जीरो तो एन प्लस। नेक्स्ट क्या पी, पी क्या था इसमें, पी है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कम से कम कितने जीरो होंगे, तो डायगोनल के एक साइड पे सारे जीरो होंगे और डायगोनल के एक साइड पे कितने एलिमेंट होंगे यही एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तो ये सारे जीरो होंगे यानी कम से कम इतने जीरो तो होंगे ही एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, बोलिए सही है। तो ये मिल गया आपको एल एम और एन। इक्वेशन क्या गिवेन था, इक्वेशन गिवेन है L प्लस फाइव इज इक्वल टू पी प्लस टू एम, ये इक्वेशन गिवन है L प्लस फाइव इज इक्वल टू पी प्लस टू एम।
से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, रख दो इसमें l की जगह पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 ओवर 2 प्लस 5, p की वैल्यू n स्क्वायर माइनस n बाय 2 प्लस 2m, m की वैल्यू n प्लस m प्लस n की वैल्यू इनफैक्ट n प्लस 1, बोल ठीक है। ये बने जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू प्लस, उधर बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस फोर एन प्लस फोर, ठीक। एन स्क्वायर तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, इधर है एन प्लस ट्वेल्व और उधर है थ्री एन प्लस फोर, टू एन की वैल्यू एट, एन की वैल्यू फोर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कमिट करने का क्या मतलब होता है, आपको दिखाना है कि ए बी और बी ए दोनों सेम आएंगे। एक बार ए बी निकाल के देख लो, दूसरी बार बी ए निकाल के देख लो, दोनों सेम आएंगे। सो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है। एक बार लिख दूंगा, गिवन है बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आर, x एंड y नंबर्स हैं, लैम्डा में लिखा हुआ है, मैंने x एंड y कर दिया उसको, x a प्लस y i, x एंड y आर रियल नंबर्स या नंबर्स इनफैक्ट, और प्रूव ये करना a b इज इक्वल टू b। बस यही क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये प्रूव, x एंड y इसमें नंबर्स हैं, ए एंड बी मैट्रिसेस हैं, आई ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए एंड बी, कुछ नहीं करना, एक लाइन का क्वेश्चन है। एक बार आप इसकी मदद से ए बी निकाल के देखो, दूसरी बार बी ए निकाल के देखो, अपने आप दोनों सेम आ जाएंगे। तो हमें क्या गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, पहले एक बार ए बी निकालते हैं, देखोगे ए बी, ए बी की क्या वैल्यू गिवन है, एक्स ए प्लस वाई आई, ए बी निकाल रहे, इसमें बी की वैल्यू डाल दी, ये वाली बी की वैल्यू एक्स ए प्लस वाई आई, तो क्या बन गया, ये प्लस वाई टाइम्स ए आई, और ए आई ए बनेगा, ये हो गया ए बी। नेक्स्ट निकालो बी ए, बी की वैल्यू डाल दो एक्स ए प्लस वाई आई एंड देन ए, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बनेगा एक्स टाइम्स ए स्क्वायर वाई टाइम्स आई ए, और आई ए इज ए। कुछ करना क्या था, दोनों सेम आ गए, जो वैल्यू ए बी की आ रही है वही वैल्यू बी ए की आ रही है, यानी ए बी एंड बी ए सेम। ये प्रूफ करो,